हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये जो राजपूती लुक जो आपके साथ में पेश करने जा रही हूँ, ये पहली बार है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। वैसे मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हूँ। बट फिर भी कोशिश करूँगी कि अच्छा सा मेकअप करके दिखा सकूँ और आपको पसंद आए। आपको मेकअप कैसा लगता है उस हिसाब से मुझे कमेंट ज़रूर करना। और आप आगे इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं कि नहीं, मुझे इस पर भी कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक ऑरेंज लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डार्क सर्कल्स वगैरह ये की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम है। पता है ना, मैं मॉम हूँ और एक बच्चा है, शैतान सी बेटी है, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको वो निशान हाइड करने हैं, तो मैं अच्छे से इसको डैब डैब करके स्किन पे कर लूँगी। उसके बाद मैं जो मेरी एक्चुअली मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठी हुई है, तो मैं उसे बात भी करते जा रही हूँ और मेकअप भी कर रही हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया है, और कंसीलर को भी जो है मैं ज़्यादातर उसी जगह लगाऊंगी जहाँ पर मैंने ये ऑरेंज लिपस्टिक का इस्तेमाल किया है, ताकि इसको जो भी ये ऑरेंज जो टिंट मेरे फेस पे अभी आपको लग रहा है, बाद में दिखाई नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा कंसीलर ऐसी ऐसी जगह पे लगाऊंगी जहाँ पर मैंने ऑरेंज लिपस्टिक का इस्तेमाल किया है। अगर आप मेकअप एक्सपर्ट हैं तो मुझे मेरी गलती ज़रूर बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे शौक बहुत है इन सब चीज़ों का। और अगर कुछ अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे एनकरेज करने के लिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पर मैं आपको ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो चलिए फिर इसको मैं फटाफट से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये है स्पॉन्ज, सबको पता ही होगा मेकअप स्पॉन्ज। इसको मैंने हल्का सा पहले ही गीला कर लिया था निचोड़ के। अब इसको मैं ब्लेंड ब्लेंड करके पूरे फेस पे इसको जो मेरे पास फाउंडेशन है वो मैं लगा रही हूँ। मेरे पास बहुत ही जनरल मेकअप का सामान है, कोई भी ज़्यादा हैवी या मतलब कि एक्सपेंसिव सामान मैंने नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं मेकअप को लेकर ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ। मैं अपने स्किन केयर को लेकर काफ़ी रेगुलर हूँ, तो आपको स्किन केयर से रिलेटेड मेरे पास सामान ज़्यादा मिलेगा एक्सेप्ट मेकअप। तो यहाँ फाउंडेशन वगैरह अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे फिट मी जो कॉम्पैक्ट आता है उससे मैं सारा अच्छे से करूँगी, ताकि कहीं पर भी कमी ना रह जाए। अच्छे से सेट कर रही हूँ पूरे फेस को, क्योंकि मैंने अपने फेस पे काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं। ये है आईब्रो फिलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेरे आईब्रोज काफ़ी अच्छी हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत इनको कवर करने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फेस के मेकअप का, तो मैं यहाँ पर भी इनको अच्छे से फिल कर लूँगी। आईब्रोज आपको ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, आईब्रोज ऐसी लगनी चाहिए कि वो नेचुरल रहें। डार्क लगने से लिटरली बहुत ख़राब लगता है, फिर ऐसा लगता है कि काफ़ी जो है हार्ड मेकअप किया गया है। तो हल्का हल्का सा हमें करना है, और उसके बाद मैंने दोबारा फिर से ब्रश जो है कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास कौन सा मेकअप का सामान है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको फिर किसी वीडियोज़ में आपको लिंक के साथ इनको बता दूंगी कि मैं कौन सा मेकअप का सामान यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आईब्रो फिलिंग। अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ आई शेडो। आई शेडो पैलेट भी मेरे पास शिवाना का है, तो वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगी कि जो भी कॉस्मेटिक्स या जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ हॉच पॉच हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो ही मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक शेड लिया है, डार्क शेड है। सबसे पहले लाइट शेड लगाया था मैंने, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक डार्क शेड लगाया है। ये कुछ डार्क ब्राउन में, आप कह सकते हो डार्क ब्राउन में मैंने शेड लिया है। उसको अच्छे से मैंने जो है मर्ज करना है, क्योंकि आई शेडो मर्ज होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसकी लाइनिंग रह जाती है। तो जितना ज़्यादा ब्लेंड आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा इसमें आएगा। उसके बाद मैंने येलो कलर की आई शेडो जो मेरे पास थी उसे मैंने अपने आईज लिड पे लगाया है, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है वो कुछ रेड और येलो में है, जिसमें गोल्डन कढ़ाई की हुई है। तो यहाँ पर उसके ऊपर मैंने लगाया है आईलाइनर। तो ये देखिए मेरे आई का मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बीच में मेरे को फ़ोन आ गया था, तो मैंने बात करते करते जो है आई मस्कारा भी लगा लिया था, फिर स्प्रे लगा लिया था सेटिंग स्प्रे फेस का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा मेकअप पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर हल्का सा हाइलाइटर लगा रही हूँ थोड़ा सा शाइनिंग के लिए, तो आपको जो है बहुत ड्यूई लुक मिलेगा आपको, और
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतना अच्छा मेकअप किया है। और यकीन मानिए, मेरे पास ये मोबाइल ही है जिसके बेस पे मैं मेकअप कर रही हूँ। मेरे पास कोई DSLR या कुछ भी ऐसा कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा नहीं है जिसकी मदद से आपको मेरा मेकअप और ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आए, तो मैं ये मेकअप से ही कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरी जो रेड मुझे ये लिपस्टिक ऐसे लगानी पड़ रही है क्योंकि बेस में रेड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं बेस पहनने वाली हूँ। तो चलो फिर, ये मेरा मेकअप पूरा हो चुका है, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने बेस यानी कि राजपूती अवतार में।